जय सियाराम, जय माँ मोक्षदा, जय चित्रकूट धाम। मित्रों, मैं संदीप पिछारिया आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ चित्रकूट के रहस्यों को लेकर। हम चर्चा कर रहे हैं चित्रकूट में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। आपको जानकारी देता हूँ कि चित्रकूट में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या की वह रात जो पूरे विश्व में मनाई जाती है, वह चित्रकूट का सबसे बड़ा पर्व है। चित्रकूट में दीपावली अमावस्या के 2 दिन पूर्व और 2 दिन बाद तक लगभग लाखों लाख श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में कोई भी व्रत त्योहार हो, कभी किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। लोग अपने आप स्वयं प्रेरणा से तमाम तीर्थों का दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। सदियों से कुंभ हो, कहाँ कुंभ होगा, कहाँ पे कौन सा देवता वास करता है, उसका दिन कौन सा है, कब करना है, यह स्वयं की प्रेरणा से लोग करते हैं और सदियों से ऐसा होता आया है। चित्रकूट में भी हर अमावस्या लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और भगवान कामतानाथ से आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को सुखमय मनाते हैं। मित्रों, चित्रकूट श्री धाम सीता शक्तिपीठ, वह वीर स्वरूपा लक्ष्मी ही हैं जिनका शीतोपनिषद में वर्णन बहुत विस्तृत रूप में दिया गया है। मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। श्री सीता जी वीर शक्ति स्वरूपा हैं। उनके हाथ में अभय और वरदान की मुद्राओं के साथ 2 कमल किरीट एवं आभूषणों से वे विभूषित संपूर्ण देवताओं से घिरी हुई हैं। कल्प वृक्ष के मुंह से 4 श्वेत हाथियों द्वारा रक्त जलित कलशों के अमृत जल से अभिषिक्त होती हुई वे आसीन है। ब्रह्मांडी समस्त देवता उनकी वंदना करते हैं। अणिमादि अस्त ऐश्वर्य से वे ये युक्त हैं और संपूर्ण खड़ी कामधेनु स्तुति करती हैं। वेद शास्त्रादि मूर्तिमान होकर भी स्तुति करते हैं। जया आदि अप्सराएं एवं देवनारियां उनकी सेवा कर रही हैं। सूर्य चंद्र दीपक बनकर प्रकाश कर रहे हैं। तंबरु देवनार आदि गुणगान कर रहे हैं। राका और सिनी वाली नाम की देवियां छत्र धारण किए हुए हैं। हृदादि एवं माया चमर ढुला रही हैं। स्वाहा सुधा व्यंजन ढुला रही हैं। भृगु और पुण्यादि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन पर अष्टदल पदम पर आसीन माया देवी समस्त कार्यों एवं कारणों को निर्मित कर रही हैं। इस प्रकार भगवती लक्ष्मी के भगवान से पृथक निवास स्थान का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुरूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया है। वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रों से समस्त देवताओं द्वारा पूजित वीर लक्ष्मी कही जाती है। यही श्री स्वरूपा सीता चित्रकूट की परामाध्या रही। वर्तमान में भी प्रत्यक्षता प्रमुख प्रमुख मठ मंदिरों में द्वार देशों पर प्रतिष्ठापित है। जैसा कि पूर्व में आपने सुना था कि मैंने बताया था आपको कि ब्रह्म की 2 पत्नियों का वर्णन है, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्नियों, अर्थात ब्रह्म की ज्येष्ठ पत्नी श्री सीता जी और कनिष्का जी श्री लक्ष्मी जी हैं। यही कनिष्का लक्ष्मी तो ज्येष्ठा लक्ष्मी सुस्पष्ट है। अर्थवेद कौशिक सूत्र में सीता जी की विस्तृत स्तुति पाई जाती है, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। श्री सूक्त के साथ ही बहुत अंशों में समन्वय होता है। श्री रियम मई श्रियम त्व इत्यादि अंश श्रियम देवी मुपहे ऋषि सूक्त के अंश से मिलता है। पुष्करणी और पुष्ट ये दोनों शब्द आद्रा पुष्करणी पुष्टिम में मिलते हैं। हरणी शब्द भी दोनों में है। हरण
पुष्करिणी आदि का सुवर्ण रजत स्त्राम से मेल मिलता है। हिरण्य प्रकारा और हिरण्य प्राकारा से पर्यंत पत्नी का आद्रा से हस्तिनाद प्रबोधनी का हिरण्य स्वरेश्वरी गोधीवी से अश्वपूर्णा रत्न मध्या हस्तिनादि प्रबोधनी का हस्तिभि रित्नी राय से हस्तिरण्य से गोभी से मेल मिलता है। इस मेल से स्पष्ट विदित होता है कि श्री सूक्त का जो प्रतिपाद्य विषय है वही सीता संबंधी मंत्रों का भी प्रतिपाद्य है। अश्वि आदि देवताओं एवं असुर या दुधान राक्षस आदि पर नियंत्रण करने वाली शक्तियों से विविध धन धान एवं पोषक तत्वों से युक्त अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्यदात्री महालक्ष्मी ही सीता हैं। यह कर्पात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में अपना वर्णन किया था। इसलिए मित्रों, दीपावली पर्व इन्हीं श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही माता समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। जहाँ एक और संपूर्ण जगत घर घर पूजा कर रहा हो, तब इस मूल पीठ का सर्वश्रेष्ठ पर्व तो होना ही चाहिए। दीपमालिका पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रकूट श्रीधाम सीता तीर्थ है। यहाँ का प्रत्येक पर्व ही श्री परख है। प्रभु ने यहाँ उनकी पूजा की थी, फिर अन्य की तो बात और है। अस्तु, देवी पूजन के हेतु 5 पर्व प्रशस्त हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कृष्णाष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। पूरे देश से चित्रकूट में आने वाले सभी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं संदीप प्रसारिया आगे आपसे मिलता हूँ यह बताने के लिए कि भगवान राम ने यहाँ पर किस तरह से शक्ति पूजा की थी। जय सियाराम, जय जय सियाराम।